नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है बड़ा ही खास है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सवाल टनक रहा होगा कि भाई हमको फायर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने संभावित सारे प्रश्नों की एक सूची बनाई है, लिस्ट बनाई है, और यहाँ पर हम उसको डिस्कस करने वाले हैं और साथ में जानेंगे कैसे एक इंटरव्यूअर को आंसर करना है और क्या बोलना है, सही शब्दों का इस्तेमाल, उच्चारण वगैरह कैसे हमको करना है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है वीडियो के अंत में, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी इंटरव्यू रिलेटेड टू फायर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन फायर के बारे में आता है किसी भी इंटरव्यू में, वो आता है कि फायर क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फायर, फायर से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो वहां पर सिंपली आपको आंसर करना, आग एक ज्वलनशील तत्व है जो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया से मिलकर बनती है। दूसरा जो क्वेश्चन आपको करते हैं वो टाइप ऑफ फायर। अब टाइप ऑफ फायर का मतलब है आग के प्रकार बताइए। तो आग के कुल 6 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है उसका नाम है ए क्लास फायर। ए क्लास मतलब सॉलिड टाइप फायर, बी लिक्विड, सी गैस, डी मेटल, ई इलेक्ट्रिक के कुकिंग ऑयल टाइप। इसी तरह से गाना बना लीजिए और आप भी इसको याद करा लीजिए। तो कुल 6 प्रकार के फायर है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि तरीके बताइए आग बुझाने के, आग बुझाने के तरीके बताइए। अब इसको आपको ऐसे भी पूछ सकता है इंटरव्यू, स्मार्ट ट्रिकी क्वेश्चन कर सकता है कि आग बुझाने के 5 तरीके बताइए, 6 तरीके बताइए, 2 तरीके बताइए। तो आपको माफ़ी मांगते हुए आंसर की शुरुआत करनी, जैसे सर मुझे माफ़ कीजिए, आग बुझाने के केवल 3 ही तरीके हैं। पहला जो है उसका नाम है स्टारवेशन, दूसरा है कूलिंग और तीसरा है स्मूदनिंग। इसका फॉर्मूला है SCS। S का मतलब हो गया स्टारवेशन, C का मतलब हो गया कूलिंग, और तीसरे जो S का उसका मतलब हो गया स्मूदनिंग। अब ये स्टारवेशन का मतलब क्या है, फ्यूल सप्लाई को कट करना, कूलिंग का मतलब है टेम्परेचर को रिड्यूस करना, और स्मूदनिंग का मतलब है ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देना। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आता है फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि लोगों से पूछा जाता है कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर की हिंदी क्या है। तो भाई फायर एक्सटिंग्विशर की हिंदी है, उसका नाम है अग्निशामक। क्या है नाम, अग्निशामक। ठीक है, अब वो पूछते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। तो फायर एक्सटिंग्विशर एक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो छोटी या शुरुआती दौर में लगी हुई आग को बुझाने में काम आता है। उसके बाद पूछते हैं कि टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, कितने हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार। तो फायर एक्सटिंग्विशर कुल 5 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है, सबसे पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, तीसरा है ड्राई केमिकल पाउडर या फिर इसको बोलते हैं DCP या फिर इसी को बोलते हैं ABC फायर एक्सटिंग्विशर, चौथा है CO2 और पांचवा है वेट केमिकल। ये 5 फायर एक्सटिंग्विशर हैं। इसके अलावा भी एक फायर एक्सटिंग्विशर जिसका नाम है TEC टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड, और टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड जो है ये डी टाइप मतलब धातु, जो आग लगती है धातु में आग लगती है उसको बुझाने में बहुत कारगर होता है, और स्पेशली मेड फॉर, ये जो TEC पाउडर है फायर एक्सटिंग्विशर है स्पेशली बनाया है डी टाइप की फायर की आग को बुझाने के लिए, क्योंकि बाकी जो 5 फायर एक्सटिंग्विशर है ना यहाँ पर ये आग को बुझा नहीं पाएगी, क्योंकि मेटल में जो आग लगती है ना, लोहे में जो आग लगती है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर होती है, उसको अगर ये फायर एक्सटिंग्विशर आप बुझाने जाएंगे तो क्या होगा, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर उल्टा फ्यूल का काम करेंगे, आग को और भड़का देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो TEC जो आग बुझाता है ना, यहाँ पर एट द टाइम 2 मेथड का इस्तेमाल करता है। दो मेथड कौन कौन सा है, कूलिंग और स्मूदनिंग। ये पहले क्या करेगा, लोहे के मतलब धातु पे लगी जो तापमान है उसको कम करेगा, बाद में उसका ऑक्सीजन सप्लाई भी कट कर देगा और इस तरह से आग बुझ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे आपका वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, DCP, CO2, वेट केमिकल, ये एट द टाइम केवल एक ही मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वाटर टाइप कूलिंग का इस्तेमाल करता है, फॉर्म टाइप कूलिंग का इस्तेमाल करता है, उसके बाद वेट केमिकल
ये ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देता है, CO2 ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देता है, उसके बाद ड्राई केमिकल पाउडर भी क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देता है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर कूलिंग स्मूदरिंग का ही इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा एक एट द टाइम केवल एक मेथड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन टर्नरी यूटिलिटी क्लोराइड मतलब TEC पाउडर फॉर एक्सटिंग्विशर एट द टाइम दो मेथड का इस्तेमाल करता है आग बुझाने के लिए, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब आपको पूछते हैं कि फायर इक्विपमेंट के बारे में क्या जानते हो, फायर इक्विपमेंट क्या होता है, एग्जांपल बताइए। तो फ्रेंड्स फायर इक्विपमेंट दो टाइप के होते हैं, एक फायर इक्विपमेंट जो होता है वो हमको सूचना देता है कि आग लगी है, उसको बोलते हैं फायर इंडिकेटर इक्विपमेंट्स, ठीक है। और दूसरा जो आपको फायर फाइटिंग में हेल्प करता है उसको बोलते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। तो कितने टाइप हो गए, तो एक हो गया फायर इंडिकेटर इक्विपमेंट्स और दूसरा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फायर इंडिकेटर का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, फायर पैनल, हूटर, ये सब एग्जांपल हो गए आपके फायर इंडिकेटर के। अब फायर फाइटिंग का फायर हाइड्रेंट ले लीजिए, होज रील हो ले लीजिए, ठीक है, फायर होज ले लीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर ले लीजिए, ये सारे एग्जांपल है आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के, ठीक है। इसके बाद आपका आता है PA सिस्टम। PA सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म है पर्सनल अनाउंसमेंट सिस्टम, ठीक है, पर्सनल अनाउंसमेंट सिस्टम। अब इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे, जब भी आपातकाल आता है तो ऐसे में लोगों को डू और डोंट बताने के लिए, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, इसे आपातकाल में आग लग गई तो क्या नहीं करना है, आपको स्टेयर केज इस्तेमाल करना है, डू मतलब ये करना है, डोंट लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। तो इस तरह से PA सिस्टम का इस्तेमाल होता है, लोगों को गाइड किया जाता है, लोगों को बताया जाता है भैया आप असेंबली पॉइंट की तरफ जाइए, जो लोग चलने में सक्षम नहीं है, भाग दौड़ नहीं कर सकते, सीनियर सिटीजन, बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, जख्मी लोग, वो रिफ्यूजी एरिया में चले जाइए, रिफ्यूजी एरिया 8th फ्लोर पे है, 15th फ्लोर पे है, ये फ्लोर पे है, वो फ्लोर पे है, ये सब अनाउंसमेंट कैसे करते हैं, PA सिस्टम के द्वारा। और ये कहाँ पर इंस्टॉल होता है, ये फायर कंट्रोल रूम में इंस्टॉल होता है। उसके बाद आपका आता है PPE किट। अब PPE का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, इसका मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अभी आपने हाल ही में कोरोना के समय में बहुत बार इस नाम को सुना होगा कि PPE किट चाइना से आए, वो बेकार वगैरह थे। तो ये PPE किट होता है क्या फ्रेंड्स, PPE किट अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होता है। जैसे कि अब डॉक्टर का आप देखेंगे तो गाउन पहनते हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हैं, फेस मास्क पहनते हैं, ऊपर हेड कवर पहनते हैं, शूज़ वगैरह पहनते हैं, तो ये डॉक्टर का PPE किट होगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे एक लेबर का देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, हेलमेट होता है, ठीक है, हैंड ग्लव्स होते हैं, सेफ्टी शूज़ होते हैं, फेस मास्क होता है उनके पास, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन मास्क वाला भी वो लोग पहनते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं लोग, रिफ्लेक्टर जैकेट पहनते हैं, फिर सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं वो लोग, फिर आप देखेंगे तो गम बूट वगैरह वो लोग पहनते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं PPE किट। किसी काम, ऐसा काम जिसमें खतरा है, उसको करने के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव, खुद को सुरक्षित रखने के लिए जो इक्विपमेंट्स हम पहनते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये हमारा कवर हो गया। अब उसके बाद आता है इमरजेंसी कलर कोड। इमरजेंसी कलर कोड में फ्रेंड्स क्या होता है कि आप जिस प्रीमाइसिस में काम कर रहे हैं वहाँ पर सिक्योरिटी से संबंधित लोग होते हैं। अब अगर आप मान लीजिए आग लग गई और आप जोर से चिल्ला के लोगों को बोल देंगे भाई आग लग गई है, तो ऐसे में भगदड़ होने की चांसेस हो जाएंगे। अगर भगदड़ मच गई तो क्या हो गए, मतलब जितने लोग मरने वाले थे संख्या उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में इसको टालने के लिए सिक्योरिटी क्या करती है, कोड वर्ड का इस्तेमाल करती है। कहीं आग लग गई तो क्या बोलेंगे, कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड, ERT टीम एक्टिवेट हो जाएगी। तो जो संबंधित सिक्योरिटी लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा भाई कहीं तो आग लगी है। तो एक इमरजेंसी फायर के लिए जो कोड है उसको बोलते हैं कोड रेड, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाएगा कि कैसे पूछेंगे, उसको बोलेंगे इमरजेंसी फायर कोड क्या है, आप कैसे बताएंगे कि आग लग गई है, तो कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड, ऐसे आपको 3 बार बोलना है। उसके बाद आपको लोकेशन वगैरह बतानी है। तो इमरजेंसी का फायर का कोड क्या है, रेड है, रेड। उसके बाद आता है रिफ्यूजी एरिया और असेंबली पॉइंट। रिफ्यूजी एरिया का असेंबली पॉइंट क्या है, रिफ्यूज एरिया वो एरिया है जो आपातकाल में बच्चे, बूढ़ो, सिटीजन, सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट व्यक्ति और जख्मी लोगों को ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी एरिया। उसके बाद असेंबली पॉइंट, असेंबली पॉइंट वो एरिया है या फिर वो पॉइंट है जहां पर आपातकाल में लोगों को सुरक्षित ठहराया जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे
तो बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल के बीच का जो ओपन स्पेस होता है वही असेंबली पॉइंट होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे तो असेंबली पॉइंट डिक्लेयर कर देते हैं कि मतलब यही एरिया में आपको इकट्ठा होना है। तो ये डिक्लेयर करने से लोगों में कन्फ्यूजन नहीं होती आपातकाल में कहाँ इकट्ठा होना है, तो यही होता है आपका रिफ्यूजी एरिया असेंबली पॉइंट। उसके बाद आपको पूछेंगे पास मेथड के बारे में, आप क्या जानते हैं या पास मेथड क्या है। तो पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए। पहला जो पी है उसका मतलब है पुल द पिन। आपका फायर ये जो है ये पास मेथड है, फायर एक्सटिंग्विशर को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे चलाना है, उसका फॉर्मूला है। तो पी का मतलब है पुल द पिन, ए का मतलब है एम द बेस ऑफ फायर, मतलब आग जहाँ लगी है उसकी सतह पर आप निशाना लगाएं। उसके बाद तो तीसरा आप जो एस दिख रहे हैं इसका मतलब है स्क्वीज द ट्रिगर, उस पर जो ट्रिगर होता है उसको आपको स्क्वीज करना है, मतलब दबाना है। उसके बाद है स्वाइप राइट एंड लेफ्ट, इस तरह से आपको राइट और लेफ्ट करके आग बुझानी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पुल द पिन एम द बेस ऑफ फायर स्क्वीज द ट्रिगर स्वाइप राइट एंड लेफ्ट। आप कहीं स्वीप भी हो कहीं स्वाइप भी है तो स्वीप राइट एंड लेफ्ट आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो ये है पास मेथड। पास मेथड का मतलब है फायर एक्सटिंग्विशर को एग्जीक्यूट करने और चलाने का तरीका। उसके बाद आपको आज पूछते हैं कि टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम कितने हैं। तो टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम फ्रेंड कहीं भी दो होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक एक होता है मैनुअल। ऑटोमेटिक का मतलब फ्रेंड्स आपके यहाँ पर आप देखेंगे प्रीमाइसेस में फायर स्प्रिंकलर लगा होगा, तो ये ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम है। जैसे ही आग लगेगी क्या होगा, धुआं उठेगा, सेंसर धुआं सेंस करेगा, तो फिर क्या होगा तापमान बढ़ने से उसके अंदर जो बल्ब है जिसके अंदर ग्लिसरीन है वो क्या होगा फट जाएगा और वहाँ पे फायर फाइटिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। और दूसरा तरीका है आपको आग जब बढ़ गई है तो आप हाइड्रेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फायर होज फायर हेज रील बकेट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे को बोलते हैं फायर फाइटिंग टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो दो टाइप है, एक ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम होता है और दूसरा मैनुअल होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हाउ टू इन्फॉर्म फायर, आग को आप कैसे इन्फॉर्म करेंगे, ये भी आपसे सवाल किया जाएगा कि मतलब आग लग गई अब आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको सवाल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है आग का, एफ आई आर और ई। तो पहला एफ है इसका मतलब है फाइंड, जब भी आग लगेगी तो आप क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, आप क्या खोजेंगे, आग कहाँ लगी है, पिन पॉइंट लोकेशन क्या है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ईआरटी को बोल रहे हैं आग लग गई है, वो कहाँ भागेंगे वो लोग, तो आग कहाँ लगी है इसका पिन पॉइंट लोकेशन आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कौन से टाइप की आग है, ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, उसके बाद साइज ऑफ फायर क्या है, ठीक है, और किस पर आग लगी है, ये चार नॉलेज आप ले लीजिए। उसके बाद आई का मतलब होता है यहाँ पर इन्फॉर्म। इन्फॉर्म किसको करेंगे, आपने सुपीरियर को या फायर कंट्रोल रूम को, इन दोनों में से किसी को इन्फॉर्म करेंगे, ये चार जानकारी आपने इकट्ठा किया फाइंड किया है इसको आप इन्फॉर्म करेंगे यहाँ पर। फिर आर का मतलब है रेस्क्यू। रेस्क्यू किसको करेंगे, लोगों को रेस्क्यू करेंगे, और पॉसिबल है तो ऐसे जरूरत सामान, मतलब जरूरत बहुत जिसकी ज़रूरत है ऐसे सामान को, अगर आप सेफ महसूस कर रहे हैं अपने आप को तो उसको, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ हो गए कंपनी वगैरह के, इसको बचाने का प्रयत्न करेंगे। तो और मोस्टली हमारा यहाँ पर क्या होगा, लोगों की जान बचाना हमारी प्रायोरिटी रहेगी, तो क्या करेंगे, रेस्क्यू करेंगे। अब यहाँ ई का मतलब तीन होता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। सबसे पहला होता है एक्सटिंग्विश, फायर को बुझाएंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, एस्केप करेंगे, या फिर इवैक्यूएट करेंगे, बचाव कार्य करेंगे, ये तीन का। तो आग लगी तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, और या फिर एक्सट्रीम एस्केप या इवैक्यूएट करेंगे, इसमें से काम करेंगे। तो ऐसे हम इन्फॉर्म करेंगे फायर को। उसके बाद आता है फायर बॉल। अब फायर बॉल क्या होता है फ्रेंड्स, फायर बॉल एक ऐसी मस्त टेक्निक जहां पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली एक बॉल होती है, काफी बड़ी बॉल होती है, यहां पर जगह में, ठीक है, इस बॉल में ड्राई केमिकल पाउडर भरा होता है। अब मान लीजिए आग लगी हुई वहाँ पर कोने में, ठीक है, तो अब क्या करना है, ये बॉल लेना है, सीधा फेंक देना है। अब आग के तापमान से बॉल क्या होगा, फट जाएगा, उसमें विस्फोट होगा, इसमें जो पाउडर होता है ड्राई केमिकल पाउडर वहाँ पे आजू बाजू हर जगह फैल जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कट करेगा, स्मूदनिंग मेटल का इस्तेमाल करेगा और आग
बुझ जाएगी। ये बहुत कारगर तरीका है, मतलब कोई भी इसमें नौसिखिया व्यक्ति जिसने कभी आग वगैरह नहीं बुझाया है, जिसको डर भी लगता है, उसको जाने की भी जरूरत नहीं है, बड़ी सेफ डिस्टेंस से बहुत दूरी से उसको बस फेंक देना है, फेंक दिया आग बुझ जाएगी, इसको बोलते हैं फायर बॉल। ठीक है, उसके बाद फायर पैनल। तो फ्रेंड्स फायर पैनल दो टाइप का होता है, पहले जाने तो फायर पैनल कहते हैं। फायर पैनल एक फायर इंडिकेटर डिवाइस है, फायर इक्विपमेंट डिवाइस है, जो क्या करता है, हमको आग लगने की सूचना देता है। अब इसमें दो तरह के फायर पैनल होते हैं हमारे पास, एक होता है कन्वेंशनल, दूसरा होता है एड्रेसेबल। कन्वेंशनल क्या है, एड्रेसेबल क्या है? तो फ्रेंड्स कन्वेंशनल की दिक्कत ये है कि कन्वेंशनल केवल छोटे जगह के, जैसे मेरा रूम है, इतनी छोटी जगह के लिए ठीक है, इससे थोड़ी और बड़ी जगह तो भी चलेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी जगह है तो वहाँ के लिए ठीक नहीं है। अब इसका प्रॉब्लम देखिए, मान लीजिए 10 माले की बिल्डिंग है और 8th फ्लोर पे आग लग गई है, ठीक है, और आपने कन्वेंशनल फायर पैनल को इंस्टॉल किया हुआ है आपके यहाँ पर, तो ये आपको क्या बताएगा कि 8th फ्लोर पे आग लग गई है, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पर आग लगी हुई है कन्वेंशनल में। लेकिन एड्रेसेबल में क्या है, एड्रेसेबल जो फायर पैनल है वो क्या करेगा, आपको पिन पॉइंट लोकेशन बता देगा। जैसे 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 8th फ्लोर पे आग लग गई है, तो 8th फ्लोर पे मान लीजिए मीटिंग रूम में आग लग गई है, तो वहां पर लिखा हुआ डिस्प्ले पर आएगा कि भाई मीटिंग रूम में आग लगी हुई है। तो ये फायदा है आपका कन्वेंशनल और एड्रेसेबल का। एड्रेसेबल आप देखेंगे थोड़ा सा महंगा है, जबकि कन्वेंशनल सस्ता है। कन्वेंशनल जो है वो छोटी जगह के लिए अच्छा है, ठीक है, और एड्रेसेबल बड़ी जगह के लिए अच्छा है। तो इस तरह से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से फायर पैनल, तो ये जो प्रश्न मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, यही नॉर्मली एक फायर मैन या फायर सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी सुपरवाइजर से पूछे जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता, भैया 4 साल से यही काम कर रहे हैं, इंटरव्यू दिया है कितना, अब कितना इंटरव्यू लिया है और कितने इंटरव्यू दिलवाता हूं, तो ये सब काफ़ी नॉलेज वगैरह हो गया है कि नॉर्मली आपको देखेंगे तो यही फायर से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर स्पेशल अनाउंसमेंट क्या था, तो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है फ्रेंड्स, हमारे जो चैनल है उसने 1000 घंटे से ज़्यादा का वक्त पूरा कर लिया है और हम बढ़ रहे हैं 4000 घंटे की ओर, और हमारा सब्सक्राइबर भी 1000 बहुत जल्दी होने वाला है। तो जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर हो जाएगा चैनल पर, उस दिन से मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब आपको इंग्लिश कैसे आप बेसिक इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और इंग्लिश में आपके नाम वगैरह आप कैसे लिख सकते हैं, इसका मैं एक ट्यूटोरियल वगैरह चालू कर दूंगा। लेकिन ये होगा कब, जब सब्सक्राइबर होंगे हमारे चैनल पर 1000। जैसे हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो हम इंग्लिश जो बहुत ज़रूरी है, बेसिक इंग्लिश जहाँ पर हम लिख सके, समझ सके, बोल सके, ऐसी इंग्लिश हम लिखना पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा ट्यूटोरियल मैं आपको देना शुरू कर दूंगा। तो वो होगा आपका 1000वें सब्सक्राइबर के बाद। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत सारे मैं इंटरव्यू के रिलेटेड वीडियो डाले हुए हैं, 3 मॉक इंटरव्यू डाले हुए हैं। वीडियो के अंडे में अंत में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इंटरव्यू के मैंने मतलब बेस्ट वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ, और कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम उसको भी पूरी करेंगे। इतने क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है पूछे जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ही बता दिया है मैंने, इतना आप कर लेंगे तो फायर के बारे में आपको सोचने वगैरह जरूरत नहीं है, कोई डाउट वगैरह आपको रह नहीं जाएगा। तो बस इतना आप कर लीजिए, बस आप समझ लीजिए फायर के जो क्वेश्चन उसको आराम से टैकल करेंगे। और एक वीडियो बनाने वाला हूँ इस पर, जिसमें CPR के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब फर्स्ट एड के बारे में आपको कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। वहाँ वो वीडियो बहुत छोटा होगा क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर CPR ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मतलब पूरा क्वेश्चन सिक्योरिटी संबंधी जितने क्वेश्चन हैं, से गेट पास है, गेट ड्यूटीज़ है, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ है, ये सारे डिस्कस करूँगा। तो पहले आप फायर वाले वीडियो देख लीजिए, ठीक है, फिर आपके वो जो दो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ CPR का, और इसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन हम वो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछते हैं उसको भी देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो फिर वही पुरानी घिसा पिटा डायलॉग, आपको पता ही है कि भाई चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, भैया बेल आइकन को जरूर हिट करो, नहीं तो ये वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मिस कर जाओगे, नहीं पाओगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर करें भाई, बड़ी मेहनत हो रही है, तो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।